हेलो, अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, कैसे हो? गुड मॉर्निंग कहते हैं आप लोगों को एक नए व्लॉग में। तो अभी मैं नींद से उठा हूँ, तो सबसे पहले मैं ब्रश करूँगा। और अभी हॉस्टल से हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो सबसे पहले मैं नाश्ता करूँगा। मेरे साथ मेरा दोस्त भी है, तो वो भी मेरे साथ अभी जा रहा है। तो सीन कुछ ऐसा है कि पब्लिक को अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए। नाश्ते के बाद मैं ऐसा करूँगा कि ड्राइव से एक गाड़ी जो है उसको बुक करूँगा, फिर वहाँ से जाऊँगा अपनी मंजिल की तरफ। बंदा सुबह उठता है, इन गलियों में घूमता है, तो फिर एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि ये सीनरी आप देख सकते हो, माशाल्लाह नेचुरल ब्यूटी है। इर्द गिर्द जो है ना आप पौधे लगे हुए हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं। जब बंदा इसके दरमियान घूमता रहता है तो फिर उसको थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो अभी जा रहे हैं फिलहाल बस 100-200 मीटर जो है ना आगे पर दुकान है, वहाँ पर हम नाश्ता करेंगे। तो नाश्ते के बाद फिर सीधे जाएंगे अपने मंजिल की तरफ, ठीक है। और अभी हम पहुँचने वाले, उस सामने शायद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और उधर हम सीधे जाके नाश्ता करेंगे। नाश्ते में चाय भी होता है और साथ में पराठा भी होता है। अब कबाई सिर्फ चाय और पराठा खाएगा, ताकि मैं सिंपल नाश्ता करता हूँ। अगर अंडा हो साथ में हो तो फिर अंडा भी उसके साथ में खा लूँगा। तो देखते कि नाश्ते में क्या क्या है, तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। और नाश्ते के टेस्ट के बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा। और हमारा नाश्ता आ चुका है पब्लिक। ये भाई मेरे साथ जो है वो जूस पीता है सुबह सवेरे, और आलू पराठा पीने खाता है। तो मैं तो सुबह सवेरे जो है ना नाश्ता करता हूँ। नाश्ते में मेरे पराठा होता है और अंडा होता है, चाय होती है। भाई कब चाय? और अभी हमारा नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, तो अभी बस जा रहे हैं सीधा, अभी गाड़ी बुक करने जा रहे हैं। तो पहले इंशाल्लाह निकलते हैं अपने मज़े की तरफ। नाश्ता बहुत टेस्टी था, बहुत। और अभी हम वेट कर रहे हैं, कोई यहाँ पर टैक्सी वगैरह नहीं है, ना कोई रक्शा है, तो हम क्या करने वाले हैं? हम भी अभी बस मोबाइल से, यहाँ पर हम लोगों ने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया है जिसको इन ड्राइव कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग भी डायरेक्टली देख सकते हो। ये हॉस्टल है सागर, ये कौन सा हॉस्टल है और किसका हॉस्टल है? मतलब अच्छा, ये इंजीनियरिंग वालों का हॉस्टल है, माशाल्लाह। यहाँ पर मैं तो बिल्कुल सुकून से यहाँ पर, मतलब मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत ज़बरदस्त है और माहौल भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अभी ये ओपन हो चुका है, यहाँ पर मैं राइट सी ना, गाड़ी वाली राइट सी, इधर आ जाओ। यहाँ पर अभी हम बैठे और यहाँ से हम फिर टैक्सी बुक करवा रहे हैं। यहाँ पर सागर भाई लगा हुआ है, तो अभी देखते हैं कि क्या करने वाला है। पता नहीं, नज़र नहीं आ रहा। मैं थोड़ा इधर से वो करता हूँ, तो ये भी पता नहीं लोकेशन दे रहा है अपना। इसके बाद फिर सीधे जो है ना डन करेगा। अभी ये अपनी हॉस्टल की लोकेशन उसको भिजवा रहा है, देन इसके बाद जो है ना ड्राइवर जो है उसको फाइंड करेगा कि हमारा ड्राइवर कहाँ पर है और कितना टाइम में पहुँच सकेगा। तो आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर से ऐसा गर्मी भी है और हम साए में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने एंड्रॉय में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पुट कर दिए, अभी जो है ना हम डन करने वाले। सागर हो चुका है सारा का सारा, तो डन कर दो ना। ये काफ़ी ज़बरदस्त ऐप है, यहाँ पर आप लोग का पहले अपना लोकेशन इसको देना होगा, इसके बाद जो है ना फिर जहाँ जाना है वो लोकेशन आपने पुट करना है, देन जो है ना आपने किस चीज़ में जाना है, लाइक मोटरसाइकिल में या किसी मोटर में, तो वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको फिर वो प्राइस भी बता देता है कि कितने उस पर खर्चा आएगा। तो अभी हम लोगों ने गाड़ी बुक की है, उस पर तकरीबन 300 उसमें खर्चा आता है। तो मैंने कहा कि इसको डन करो, फिर देखते कि क्या होता है और हमारे जो है ना टैक्सी कितने टाइम में पहुंचती है, तो आप लोग भी देखना, ठीक है। आप लोगों को फिर मैं बताऊँगा। काफ़ी ज़बरदस्त ऐप है, बहुत ही फैसिलिटेटेड है, तो आप लोग भी मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग भी इसको यूज़ करो। गाड़ी से बात हुई थी, वो अभी पहुँच गया है, तो इतना टाइम नहीं लगा है, तो हम इसे इशारा करते हैं भाई इधर काटो। अभी हम इसमें बैठते हैं, पहले आप लोगों को भी बताते हैं। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। मिटगांव जाना है ना?
मिडग्राफ जाना है। मिडग्राफ सर किधर है? ये आप कौन बात कर रहे हो? नहीं, नहीं वो है मेरे घर से। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे भाई? ठीक हो? गाड़ी पल गाड़ी दे मेरे को। ना ना मोबाइल चिका कर ऐसा खता चला मां चल तो बोल दरखानी को तरह। हां मिडग्राफ का, मिडग्राफ का क्या है सिर्फ रिपोर्ट करते हो? हां लोकेशन मोर कर दे। सही था सागर। ओके ओके अल्लाह हाफिज़। अभी हम बस बैठते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम। और अभी हम निकल चुके हैं, तो जब पहुंचेंगे तो फिर आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और खूबसूरत नज़ारा है। माहौल भी काफ़ी साफ है लेकिन थोड़ा बहुत गर्मी है, तो दुआ है कि बारिश हो जाए। और अभी हम बस 15 मिनट में पहुंचने वाले हैं, तो छोटे से आप लोग बात करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना टाइम लगेगा और पहुंचने में? तकरीबन कोई 5-6 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मतलब फास्ट बहुत ज्यादा है। ये अच्छा है कि लास्ट में रास्ते में ट्रैफिक नहीं है, जिसकी वजह से कोई मतलब रुकावट नहीं है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, ये असल में इस टाइम ट्रैफिक थोड़ी कम होती है। अच्छा मॉर्निंग का टाइम सबसे होता है 8 बजे और शाम के टाइम बहुत ज्यादा। शाम के टाइम तक बहुत ज्यादा होती है, ऐसे सिटी में तो लोग जो है ना वो रात के वक्त जागते हैं और सुबह के वक्त सोते हैं। बहुत होती है, बहुत ज्यादा। हम अक्सर हम भी तंग हो जाते हैं। अच्छा साइड पर खड़े हो जाते हैं। अच्छा लेकिन ये टाइम जरा अच्छा होता है, और या फिर सुबह का टाइम। सुबह का टाइम बहुत बेहतरीन होता है। बिल्कुल आप बस सुकून से जाए। बस आज मेरा पहला दिन है पेशावर में। पहले मैं यहाँ पर गुजर चुका हूँ टाइम। अच्छा अच्छा। तो आज मैं ज्वाइन करूँगा वहाँ पर, मैं अपना जो फॉर्म है उसको जमा करूँगा इंडस्ट्री में। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह वो मिलेगा, उसको ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। एक बढ़िया से सही। और चाचा हमारे साथ, मैं तो आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है क्योंकि आपने मेरे इल्म में बहुत इजाफा किया। सही सही। यूट्यूब तो सब देखते हैं, लेकिन समझ किसी को नहीं है, दूसरे वीडियो देखते हैं। चाचा से मेरी बात हुई यूट्यूब के हवाले से, उसको मैंने बहुत गाइड किया किस तरह मतलब उपलब्ध से। तो चाचा को इसका बिल्कुल इल्म नहीं था, तो चाचा कह रहे हैं कि मेरा इसके हवाले से कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो आपने मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन दी। तो और चाचा और सुनाओ, जिंदगी अच्छी चल रही है? जिंदगी गुजर रही है, अच्छी गुजर रही है। बस गर्मी है, गर्मी की वजह से थोड़ी मुश्किल होती है। गर्मी तो सर्दियों में मजा आता है। बिल्कुल सर्दी, गर्मी तो सबको जो है ना डिसलाइक करते हैं, और सर्दी में तो इस तरह होता है कि बस सारी चीजें कपड़े साफ होते हैं, और गर्मी में इस तरह होता है कि बंदा अपने आप होता है, पसीने जो होता है कपड़े के खराब होते हैं। अभी हम शीशे नहीं बंद कर सकते क्योंकि इतनी गर्मी होती है। हाँ ना, अभी शीशे खुले, बाहर से हवा रहे जिसकी वजह से ठंडा फील होता है। तो अभी देखते हैं कि जब हम पहुंचेंगे फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, अभी हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी हमें ये कन्फर्मेशन नहीं है कि हमारा पॉइंट कहाँ पर है। अभी हम इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सामने खड़े, और अभी हमको अपने इंडस्ट्री का पता नहीं कि हमारी वाली किधर है। फिर से गाड़ी में एंटर होने जा रहे, फिर आगे जाते हैं, आगे चेक करते कि क्या होता है। लेट्स सी। फिर से वापस जा रहे, यहाँ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि कोई था नहीं यहाँ पर। चाचा मेरे सामने, मेरे ख्याल से वो सामने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, उसे पूछते है। वो सामने, ये मेरे ख्याल से बंद है, तो अभी उधर जा रहे हैं, उसे किसी पूछेंगे, क्योंकि जब कोई बंदा नए जगह पर जाते है तो उसको इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो ज़रूर मजबूरन किसी पूछना पड़ेगा
और सामने से BRT बस भी आ रही है। और सिक्योरिटी वाले से बात हो गई, उसे पूछा कि यहाँ पर जो मेडिकल क्राफ्ट इंडस्ट्री है वो कहाँ पर होगी, तो उसने कहा कि इस रास्ते पे जाओगे सीधा पर लेफ्ट लोगे वहाँ पर कुछ ही कदम में आपको मेडिकल क्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो मिलेगा। अच्छा, आपको तो इसके बारे में कुछ बतवाइए होगा ना, क्योंकि आप जो दिन जाते हो असल में हम जो है ना, हम तो मैप को फॉलो करते हैं। जहाँ पर हमें मैप ले जाए बस हम वहीं आ जाकर रुक जाते हैं। बस कस्टमर होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं यहाँ नहीं, ये यहाँ नहीं, आगे जाना है, तो इसलिए अगर मैप वो हो जाता। अच्छा, मतलब आप चाचा ने कहा कि हम मैप को फॉलो करते हैं। चाचा, अगर एक बात मैं आपसे शेयर करूँ, अक्सर जो लोग मैप को फॉलो करते हैं वो कभी कभार कुएं में भी गिर जाते हैं। कुएं में नहीं, वो समंदर में गिर जाते हैं कभी कभी, ऐसा होता है। और सामने हमारे मंजिल, अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। ये सामने आप लोग देख सकते हो, बोर्ड देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है मेडिक्राफ्ट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो अभी मेरे ख्याल से सामने जाएंगे, उधर फिर उसका गेट होगा। हाँ पब्लिक, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, ये सामने बोर्ड देख सकते हो। तो अभी चाचा से हम इजाज़त लेंगे। चाचा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने एक साल में पहली दफा आप जैसा बंदा देखा है, जो इतना तबीयत ही और अखलाक से भरा हुआ बंदा है। सही चाचा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तो इंशाल्लाह से बात करेंगे। हाँ पब्लिक, अभी हम बस अंदर जा रहे, तो फिलहाल मैं वीडियो को बंद करता हूँ, पता नहीं चाहिए अंदर के माहौल कैसा होगा। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए।